हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे डीआरडीओ एडमिनल एलाइड पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपको एग्जाम पैटर्न किस तरीके से देखने को मिल सकता है, तो उसी के रिगार्डिंग में आपको अपडेट देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको पल पल की अपडेट आपको आगे मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके इसमें चार सब्जेक्ट होने वाली है, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। तो इसमें आप सभी के मन में भी यही डाउट होगा कि इसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन सकती है। मैं एक आपको आइडिया दूंगा जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलने की उम्मीद बनी रहेगी। तो मैथ में आपको क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसी के लिए आपको लगभग ज्यादातर चांस आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग में आपको लगभग 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और जीके में आपको 15 क्वेश्चन और इंग्लिश में आपको 15 क्वेश्चन। तो इसी के रिगार्डिंग आपका एग्जाम का पैटर्न आपके इस एडमिन एंड एलाइड में आपके पैटर्न रहने वाला है। और एग्जाम डेट आपको कब तक देखने को मिल सकती है, तो लगभग 10 फरवरी के बाद आपको एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म डेट के लास्ट डेट के बाद टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन एग्जाम डेट को लेकर देखने को मिल सकता है, और आपके एग्जाम डेट 10 फरवरी के बाद होने की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अपनी तैयारी करें, आपके पास लगभग 20 से 25 दिन लास्ट बचे हैं, तो अपनी तैयारी को मजबूत करें। और मॉक टेस्ट आपको लगाना है, जिससे आपके लेवल में इंक्रीज होगी। आपने जो क्वेश्चन गलत है, उन क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, और उनको आप देखना कि हमने कहाँ पे इस क्वेश्चन को गलती की है, उन क्वेश्चन को वापस सॉल्व करना है, और किसी बुक में नोट करते हुए चले, जिससे आपको क्वेश्चन बाद में याद रहेंगे। और लास्ट एग्जाम के टाइम में आपको उन क्वेश्चन को वापस रिवाइज करना है, जिससे आपको एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।